Dear students, welcome to RCI EduHub Bansur online classes. आज हम discuss करेंगे microscope. तो microscope एक optical instrument होता है जिसकी help से हम बहुत छोटे object को बड़ा करके देख सकते हैं. तो ये इसकी definition हो जाएगी. बड़ा कैसे करेगा उसके लिए हमने पढ़ा था, विजुअल एंगल को ये इंक्रीज कर देता है जिससे ऑब्जेक्ट बड़ा दिखने लग जाएगा अपने को. तो डेफिनेशन हो जाएगी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेक एनलार्ज इमेज of very small object तो ये डेफिनेशन है, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को अपने को बड़ा करके दिखाएगा ये. अगर अब हम बात करें माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप यहां पर हम टू टाइप्स के स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. Second one is compound microscope. तो पहले हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को. व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? तो इसको नोट कर लेना एक बार स्क्रीन को पॉज करके. सिंपल माइक्रोस्कोप तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है और इसको हम किसी मेटल या फिर प्लास्टिक के स्टैंड पे इसको फ्रेम पर इसको फिक्स कर देते हैं. तो ये बन जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप. आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास उसकी जो टेबल होती है वहां पे रखा होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हो. तो ये होता है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप. एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होती है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है और इसको हम प्लास्टिक या फिर मेटल फ्रेम पर इसको फिक्स कर देते हैं. तो ये बन जाता है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप. अब हम बात करते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज कैसे बनाता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है उसको समझते हैं. तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. ये प्रिंसिपल है इसका. देखो प्रिंसिपल क्या है, इधर देखो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ये इसका सपोज दैट फोकस है एफ, इतनी डिस्टेंस पे इधर भी हो जाएगा एफ. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं यहां पर, तो देखो उसका इमेज कैसे बनता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सपोज दैट दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, तो अपने को इसका इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज लेनी होती है. वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये फोकस से पास होगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर पे ले लेते हैं. तो ऑप्टिकल सेंटर पे जब जाती है तो बिना डेविट हुए सीधे निकल जाती है. तो देखो इधर ये जो लाइट है एक दूसरे से दूर होती जा रही है तो इधर से मिलेगी नहीं, इसलिए इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं. तो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा के देखा तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पर बनती है, और ये जो इमेज है
इनेस वीनस। देखो ये वर्चुअल है बिकॉज लाइट रेज एक्चुअल में तो मिली नहीं, तो मिलती हुई अपियर हो रही है, इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। ऑब्जेक्ट की साइज ये है, इमेज की साइज ये है, तो इमेज बड़ा बन रही है, तो इमेज का जो नेचर होगा ये हो जाएगा लार्ज इमेज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी इमेज बनेगी। तो इस टाइप से हम बड़ी इमेज बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो लिखना क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की इनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। यही प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का, बिकॉज अपने को लार्ज इमेज ही चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। डायग्राम यही रखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। डायग्राम बनाना है अपने को कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में। प्रिंसिपल जो पढ़ा था उसमें केवल लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है। ये समझाने के लिए आपको पहले ही बना दिया है, तो ये डायग्राम आपको नोट करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में। तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है AB, ये इसकी इमेज है A' B'। तो देखो अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन ये एंगुलर मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, वेयर बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय सबटेंडेड by image on I, and alpha is angle subtended by object on I when placed at D। object को रखने अपने को D distance पर, डी का मतलब इस डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कैपिटल डी। तो देखो सबसे पहले तो ये तो इमेज है अपनी, तो ये इमेज जो आई के ऊपर एंगल बनाएगी, तो ये है अपना बीटा। और ऑब्जेक्ट को जब हम डी डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो आई पे जो एंगल सब्सटेंड करेगा दैट इज अल्फा। तो सपोज दैट ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हमने डी डिस्टेंस पर रखा, डी डिस्टेंस सपोज दैट डी है, डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस पे रखा तो यहां पर ये जो एंगल बनाएगा आई के साथ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज अल्फा और ये है बीटा जो इमेज एंगल बना रही है। साइन कन्वेंशन के लिए ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, फिर डिस्टेंस इधर है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पर एक चीज और देखना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये जो एंगल होंगे अल्फा और बीटा ये भी स्मॉल होंगे। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा स्मॉल है, सो अल्फा को हम टेन अल्फा लिख सकते हैं,
और बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है ऐसा क्यों होता है, देखो जब थीटा स्मॉल होता है तो उस समय टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को वन लिखते हैं, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनका। ओके अब हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, देखो यहां से अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा टेन अल्फा और बीटा की जगह लिख देंगे टेन बीटा। अभी तो इसको एक बार नोट कर लेना आप लोग, उसके बाद उसको आगे पढ़ते हैं। तो ये है मैग्निफिकेशन हम पढ़ रहे थे, तो ये था बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा को हम लिख देंगे टेन बीटा और अल्फा को लिख देंगे टेन अल्फा। अब टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो टेन अल्फा हम इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे और टेन बीटा जो है वो इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ या ओ डैश दे दो इसको, और ये है ओ ए बी ओ डैश, ये वाला ट्राइंगल इसमें टेन अल्फा हो जाएगा। देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर है अपना ए बी और बेस है ए ओ डैश जिसकी वैल्यू है माइनस डी, ये हो जाएगा। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ ए बी ओ टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए ओ जिसकी वैल्यू है माइनस यू। तो देखो यहां से हमारे टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से देखो टेन थीटा ए बी अपॉन माइनस यू डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन माइनस सी, तो ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये डी पल्टी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम इक्वल्स टू डी अपॉन यू। तो ये मैग्निफाइंग पावर आ चुकी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d इंटू वन बाई यू। अब ये मैग्निफिकेशन पावर हो गई है, इसके बाद हम दो केस लेंगे, बिकॉज अपनी जो आई होती है उसकी जो विजन रेंज होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी, तो हम दो केस यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस होगा व्हेन इमेज जो है अपनी वो डी डिस्टेंस पर बने, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर पर, और सेकेंड केस होगा जब अपनी इमेज इंफिनिटी पर बने, उस दोनों केस में हम मैग्निफिकेशन निकाल के देखेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। तो स्टडी करते हैं केस फर्स्ट की, तो ये अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ चुका है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कोई भी इक्वेशन दे देते हैं, सपोज दैट दिस इक्वेशन इज थर्ड। अब हम दो केस स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट है when final image is formed, and least distance of clear vision that is capital D. तो final जो image है अपनी, तो image distance को लिखेंगे यहाँ पर हम D। देखो image इधर बन रही है, तो distance sign convention जब use करेंगे तो negative हो जाएगी, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे माइनस यू। अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सबको याद है, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन बाई एफ। तो यहाँ पर यू की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, बी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी अपने 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू है माइनस यू इंटू 1 बाई एफ, ये हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 बाई यू माइनस 1 बाई डी इक्वल्स टू 1 बाई एफ।
1 by u equals to 1 by d plus 1 by f. ये जो वैल्यू है 1 by u की, ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का फर्स्ट केस में. तो वैल्यू पुट कर देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1 अपॉन u इन इक्वेशन थर्ड. तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा, यहां से देखो d into 1 by u, 1 by u की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 1 by d plus 1 by f. अब इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं.